राजस्थान की राजनीति में एक बार बड़ा दाव खेलते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिव्या मदेन्ना को AICC सचिव और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त प्रभारी नियुक्त किया है। अपनी बेबाकी और तीखे बयानों के लिए चर्चित दिव्या इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टॉप ट्रेंड कर रही है और बधाई का तांता उनके ऊपर लगा हुआ है। खुद को किसी गुट का हिस्सा न मानने वाली दिव्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धुर विरोधी मानी जाती है। कहा जाता है कि दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा को अशोक गहलोत की वजह से ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और इसका असर मदेरणा परिवार की सियासत पर आज भी दिखाई देता है। महज 26 साल की उम्र में पहला चुनाव जीतने वाली दिव्या मदेरणा ने ओसिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहते हुए अपने विरोधियों और पार्टी के भीतर के गुटों को खोलकर चुनौती दी है। उन्होंने पार्टी के हाईकमान के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वे इस नई जिम्मेदारी को पूरे तन्मयता और कुशलता के साथ निभाएगी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए तत्पर रहेगी। राजस्थान की बेटी का सियासत में नया सफर, क्या बदलेंगे समीकरण? दिव्या के इस प्रमोशन के बाद सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने एक पुराने स्थापित जाट परिवार से आने और जाट वोट बैंक की मजबूती के कारण ये जिम्मेदारी मिली गई है। माना जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए ये कदम कांग्रेस की ओर से उठाया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा पर भरोसा जताया है और खास करके तब आगामी लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से लोकसभा में निभाई थी वही अब उपचुनाव में भी निभा सकते हैं। जाट वोट बैंक की मजबूती या युवा नेतृत्व की जीत? दिव्या मदेरणा के इस प्रमोशन से ये भी संदेश गया है कि कांग्रेस अब नए और युवा चेहरों पर दाव लगाना चाह रही है। खुद को किसी भी गुट से दूर रखने वाली दिव्या सचिन पायलट के फेस ऑफ में ज़्यादा न्यूट्रल थी और वहीं अब एक और मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व की महिला दिव्या मदेरणा को माना जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया है कि भले ही उन्होंने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन वे ओसिया से दूर नहीं रहेगी। दिव्या मदेरणा की नई पारी से क्या राजस्थान की सियासत में आएंगे नए मोड़? अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक दिव्या मदेरणा के प्रमोशन की चर्चा जगह जगह हो रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस बड़े दाव से राजस्थान की सियासत में क्या कुछ बदलाव आते हैं और दिव्या मदेरणा अपने नए पद पर कैसे कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।